लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ सिंपल वे। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। पहला पावर रूल का यूज करते हैं। तो दिया 8 की पावर एक्स इक्वल टू 1/8। तो इसको हम जैसा कि a की पावर m है नीचे तो ये ऊपर जाता है, तो क्या हो जाता है a की पावर माइनस m यानी निगेटिव हो जाता है। तो इसी तरीके से 8 को 1/8 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पावर 1 है तो 8 की पावर 1 माइनस 1 होगा। ठीक, जैसा कि आप ये जानते हैं a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, ये इक्वल है और बेस सेम है, ये पावर सेम जरूर होगा, यानी m इक्वल टू n होगा, ये पावर रूल कहता है। तो यहाँ भी वही है, 8 दोनों तरफ सेम है और इक्वल का साइन है तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा तरीका है लेकिन मेथड जो है लॉगरिथम का यूज करके लगाते हैं। ये देखते हैं एक तरीके से लॉग का रूल ये होता है, अगर लॉग ए की पावर एम है तो इसको लिखा जा सकता है एम लॉग ए। ठीक, यानी ये पावर इस साइड आ जाता है। तो देखते हैं, दिया है 8 की पावर एक्स इक्वल टू 1/8, तो हम क्या करेंगे लॉग ले लेते हैं बोथ साइड। तो लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 8 की पावर एक्स और ये हो जाएगा लॉग 1/8। ठीक, जैसा कि आपको रूल बताया गया ये पावर है तो इस साइड आ जाएगा, यानी एक्स लॉग 8, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग 8 को ऊपर ले जाएंगे तो 8 की पावर माइनस 1। अब ये भी इस साइड आएगा पावर है तो एक्स लॉग 8 इक्वल टू माइनस 1 लॉग 8। अब ये दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू माइनस 1। तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ओके, तो सिंपल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ एग्जाम को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके।